हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज 21 जून है और हम सबको पता है कि आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। योग की जब बात आती है तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूरे विश्व को योग भारत की ही देन है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी इंदिरा देवी के बारे में जो रशिया से इंडिया आई और उन्होंने योग सीखा और पूरे विश्व भर में योग सिखा के वह बनी द मदर ऑफ मॉडर्न योगा। उससे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की। इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने 2014 में इसको रिकॉग्नाइजेशन दी थी एज एन इंटरनेशनल योगा डे। देखिए 1937 की बात करें तो 1937 से पहले जो योग था वो मैस्कुलिन परस्यूट था, मतलब कि योग सिर्फ मेन सिखा सकते थे और मैन ही इसकी क्लासेज अटेंड कर सकते थे। लेकिन 1937 में इंदिरा देवी रशिया से इंडिया आई, उन्होंने यहाँ पे योगा सीखा और पूरे विश्व भर में सिखाया और ये सिखाया कि अब विमेन्स हर जगह योगा सिखा सकती हैं और योगा सीख भी सकती हैं। उन्होंने बेसिकली विमेन्स के लिए एक पाथवे ओपन कर दिया। वो होता है ना कि एक बार कोई बच्चा काम कर दे, उसके बाद दूसरी जनरेशन भी वो काम करने के लिए अलाउड होती हैं। अगर वह अच्छा पढ़ता है, इंजीनियर आईएएस बन जाता है, तो दूसरी जनरेशन भी उसको फॉलो करती हैं, अच्छी एजुकेटेड फील्ड में जाती हैं। उसी तरह जब 1937 में इंदिरा देवी आई, इन्होंने योगा सीखी और सिखाई, इनको फॉलो करके बहुत सी वुमेन ने योगा एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया और आज तो आपको पता ही है कि वुमेन कितना परचम लहरा रही हैं योगा में अपना। देखिए इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ योगा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार योगा सिखाई थी। ये पहली टीचर बनी थी मॉडर्न योगा की, यही इंडिया से योगा लेके गई थी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, तो इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ योगा भी कहा जाता है। इन्होंने 15 साल की उम्र में ये सोचा कि अब मुझे इंडिया जाना है, इंडिया में योगा सीखनी है और ये इंस्पायर हुई थी रामचरक की बुक से और रविन्द्रनाथ टैगोर से। रामचरक जी बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, ये वैसे एक अमेरिकन राइटर ही हैं, इनका ये स्यूडो नेम है रामचरक। 1927 में ये इंडिया आई, यहाँ पे आके इन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन किया और अपना नाम लिया इंदिरा देवी। इंदिरा देवी इनका असली नाम नहीं है, स्टेज नेम है। देखिए यूगिन पीटरसन इनका असली नाम है, इनका स्टेज नेम है इंदिरा देवी और इन्हें माताजी भी कहलाते हैं, ये माताजी के नाम से भी जानी जाती हैं। योगी रामचरक विलियम वॉकर हैं, बेसिकली इनका स्यूडो नेम था योगी रामचरक और इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। ये भी इंडियन कल्चर से काफ़ी इंस्पायर थे, इसीलिए इन्होंने इतनी सारी योग पे किताबें लिखी और उसको पढ़ा। फिर क्या होता है 1937 के बाद, 1937 में जब वह आती हैं तो वो किसके अंडर में टीचिंग करती हैं योगा की, वो हैं कृष्णमाचार्य। इनके अंडर में वह अपनी योगा की टीचिंग पूरी करती हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये लाइन देख सकते हैं कि जो महाराजा थे मैसूर के, उनकी स्पेशल परमिशन, स्पेशल अप्रोच के बाद इनको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट किया गया। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे विमेंस की इतनी क्लासेस नहीं होती थी, इसका मतलब है विमेंस बिल्कुल योगा नहीं पढ़ती थी, इसी वजह से इनके लिए अप्रोच लगानी पड़ी थी और ये पहली स्टूडेंट बनी, पहली चेली बनी, पहली फीमेल चेली बनी कृष्णमाचार्य की, जो कि बहुत ही फेमस योग गुरु थे। तो ये पहली चेली बनी और इन्होंने फिर उसके बाद योगा सीखी। 1938 में ये डेडिकेटेड योगिनी बनी और इन्होंने पूरे विश्व भर में योगा सिखाई, चाइना, अर्जेंटीना, इंडिया, रशिया, मॉस्को में इन्होंने क्लासेस ली। सबसे पहले इन्होंने क्लास ली थी चाइना में क्योंकि 1938 में इनकी शिक्षा पूरी हुई और ये 1939 में चाइना चले गई और इन्होंने शंघाई में अपना पहला स्टूडियो खोला। इन्होंने 1961 में इंदिरा देवी फाउंडेशन खोली और 1987 में इनको प्रेसिडेंट ऑफ ऑनर के लिए इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल योगा फेडरेशन में। कितनी बड़ी बात है ये। इन्होंने ये कोट लिखी और ये 2002 में इनकी डेथ हो गई और इस पूरे बीच में 1930 से लेकर जब तक ये आई और इन्होंने इस पूरे बीच में बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया योगा का, योगा में वेमेंस के लिए एक पाथवे ओपन किया कि आप अब योगा सीख सकती हैं और सिखा सकती हैं। और ये इसीलिए तो इनको कहते हैं कि ये टीचर बन गई मॉडर्न योगा की, ये पूरे इंडिया से मॉडर्न योगा के लेके गई वेस्टर्न कल्चर। और ये एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, इस वजह से इनका नेम था और जब किसी का नेम होता है तो हम उनके चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने बहुत फेम दी योगा को और वेस्टर्न वर्ल्ड में योगा का दबदबा बनाया। तो इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है योग में जो हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये एक हमारी छोटी सी अप्रोच थी
कि हम आपको इनका कंट्रीब्यूशन याद दिला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज शेयर करें। थैंक यू।